दोस्तों, अब हार्दिक पांडे को आईपीएल का बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। हार्दिक पांडे के तूफानी 16 गेंदों में 37 रनों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है और आरसीबी प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते आरसीबी की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन का स्कोर बनाया। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर लिया। आरसीबी की ओर से एबी लॉस ने 51 गेंदों में 75 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। मोइलियन ने 32 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। उन्होंने 1 चौका और 5 छक्के भी लगाए। पार्थिव पटेल ने 20 गेंदों में 28 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया। लसिथ मलिंगा ने अपने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट चटके, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 22 रन दिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और क्लिंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन मोइलानी ने इस दोनों को एक ही ओवर में आउट कर मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका दे दिया। रोहित शर्मा ने 19 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली। वहीं क्लिंटन डिकॉक ने 26 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। कृणाल पांड्या की बैट पर गेंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने 11 रन बनाने के लिए 21 गेंदों का सामना किया, जिससे मुंबई इंडियंस की टीम का रन रेट काफी बढ़ गया। तब लग रहा था कि शायद ये मैच आरसीबी जीत लेगा, लेकिन बाद में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 37 रन बनाते हुए 19 ओवर में इस मैच को जीत लिया। उन्होंने इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। गौरतलब है कि 1900 ओवर डालने आए पवन नेगी के खिलाफ उन्होंने 22 रन बटोरे। रोहित शर्मा से जब संजय मांडलेकर ने पूछा कि इस सीजन में हार्दिक पांड्या ज्यादा तूफानी नजर में आ रहे क्या, आपका क्या कहना है इस पर, जवाब देते हैं रोहित शर्मा ने कहा, उनकी हिटिंग से टीम को आगे बढ़ने की मदद मिल रही है, यही वो करना चाहते थे, क्योंकि आईपीएल में आने के पहले उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी, इसके लिए वो अपने बैट और गेंद से साबित करना चाहते थे। वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे, जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं उसे देखते हुए हमें एक टीम के तौर पर यकीन रहता है कि कोई है जो आखिरी में हिट करके इस मैच को जिता सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या के बारे में, कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2019 का किताब मुंबई इंडियंस को जितवा कर रहेंगे या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।